नेक्स्ट नेट है वो भी पॉलिसी नेट ही है, मीन्स विद इन द पॉलिसी हम सब कुछ करेंगे, और ये भी सोर्स नेट ही है, हम सोर्स को ही ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इस दफा जो ये नेट है ये वन टू वन है, मीन्स जितने हमारे पब्लिक आईपीज होंगे इतने लोग जा पाएंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उससे ज्यादा लोग बाहर जा पाएंगे। तो किस तरह करेंगे, आते हैं उसी लैब को हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे मेरे कुछ यूजर्स है, 5 यूजर्स कनेक्टेड है इनसाइट में, और बाहर कुछ यूजर्स है और इंटरनेट से हम कनेक्टेड है। फायरवॉल के इनसाइट की आईपी 1.100 है और बाहर की 122.100 है। फायरवॉल पे हमने इंटरफेसिस को आईपी असाइन किए है, डीएनएस कॉन्फ़िगर किया है और एक्सटेटिक राउट कॉन्फ़िगर किया है, जो सब कुछ यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो उसी पॉलिसी में दोबारा जाके इसको चेंज कर लेते हैं IPv4 पॉलिसी, क्योंकि विद इन द पॉलिसी हम स्टिल नेट कर रहे हैं। लैन टू वैन पॉलिसी है, तो सोर्स इनकमिंग लैन से वैन से सोर्स कुछ भी है, और यह पे नेट है। ओवरलोड हमने इससे पहले यूज किया, तो मैं इसको क्लोज करके अब अगेन मुझे कुछ और करना होगा, तो या तो क्रिएट न्यू पे जाके यहाँ से कर लेता हूँ। तो इस दफा यहाँ से जाते हैं, इस दफा हम यूज करेंगे 1-to-1 नेट, बल्कि 1-to-1 ही काफी है। इस दफा कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, 1-to-1 चूज कर दिया, और यहाँ पे रेंज देना है बाहर का, तो 192.168.122.100, ठीक है। और रेंज मैंने दिया 192.168, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट होगा वो दूसरे से, तो ये 100 से लेके 200 दे देता हूँ। वो लास्ट वाला हमने बनाया था ना, 192.168.122.201, कितने आईपीज है याद रखना, क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादा सिस्टम्स सेंड करूंगा, तो 200 और 201, तो इट मीन 2 आईपीज है। तो 1-to-1 का मतलब है कि दो लोग ही बाहर जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो और आईपीज क्या है, 200 201, ताकि हमें वह सेशन में कुछ और आईपीज मिले, ये 2 और 201, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो ओके कर दिया, ये 1-to-1 को चूज करके ये यहाँ पे आ गया, यूज डायनामिक आईपी पूल विद इन द पॉलिसी और नेट एनेबल है, और ओके कर दिया, ठीक है। 40 व्यू पे जाके ऑल सेशन, ठीक है। और अब यहाँ से एक ने ऑलरेडी विजिट किया है, कोई पीसी 2 है, तो एनीवे जाने दो। अब ये कौन सा पीसी है, 2 पीसी ही जा पाएंगे, अब अगर नहीं है तो वो नहीं जा पाएंगे। तो मैं इस पीसी की डिटेल चेक कर लेता हूँ, ये पीसी 1 है, तो यहाँ से पिंग कर लेता हूँ 8.8.8 को, तो ये नहीं हो रहा है, इट मीन्स 2 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, रिफ्रेश करना होगा, यस। तो 1.3 और 1.2, एक को 200 और दूसरे को 201, ये था हमारा रेंज ना। अब बाकी लोग नहीं जा सकते, ये शायद गया है, हाँ यही है। अब अगर ये जाएगा तो ये ट्विटर काम नहीं करेगा ना, पिंग काम करेगा, और अगर सर्वर से मैं पिंग करूं, इससे पहले मैं कर रहा था ना, तो ये नहीं होगा। हाँ तब हो सकता है जब इनमें से एक सेशन को मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, एंड सेशन, तो अब जो भी पहले आएगा तो वो जा सकेगा, तो ये नहीं है कोई और सिस्टम ने पहले कर दिया, तो वो चला गया, शायद ये पीसी 3 है, ये वाला नहीं, ये वाला चला गया शायद। तो देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करके मैं सोर्स कर लेता हूँ, सोर्स आईपी के कौन कौन से आए हैं, 2 ही होंगे, तो 1 और 2, अब इनमें से 1 और 2 चेक करना होगा। तो अगर मैं 1 और 2 में से कोई डिस्कनेक्ट कर दूँ तो दूसरा तब जा सकेगा, यही मेन डिफरेंस मैं आपको शो कर रहा था, इसमें कुछ खास और नहीं है, इसमें लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है कि जितना आपका पब्लिक पूल होगा इतने लोग जा सकेंगे। अब हमारा पूल जो है 200 है और 201 का है, तो हमारे जो 2 बाई लोग हैं वो सिर्फ बाहर जा सकते हैं और बाकी वेट ही कर रहे हैं, जिस तरह ये सर्वर है। तो सर्वर तब जा पाएगा अगर मैं यहाँ से किसी को डिस्कनेक्ट करके ट्राई कर लेता हूँ ताकि ये स्टार्ट हो जाए। तो एंड ऑल सेशन, क्योंकि वेब का तो डिस्कनेक्ट होगा लेकिन पिंक का तो नहीं होगा, तो शायद ये जा पाएगा इस तरीके से, ये हो गया, तो इसने पहले कर दिया, तो इसका स्टार्ट हो गया। और इसकी आईपी क्या है, 4 है, तो एक 1 सिस्टम और एक 4 जा सकेगा, लेकिन अब बाकी लोग नहीं जा पाएंगे जो बाकी 2 सिस्टम्स थे,
तो ये जा रहा है और ये एक यही, क्योंकि पिंग इनका आन था, क्योंकि टीसीपी को आप रीसेट कर सकते हो, बाकी तो ये नहीं जा पाएगा, नहीं होगा। चाहे आप पिंग करो यहाँ से, अगर आप चाहे तो पिंग सेंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ से इसका टेलनेट ओपन करके, सॉरी टर्मिनल, तो पिंग ए डॉट एट डॉट एट डॉट एट तो नहीं होगा, ठीक है। दो ही जो लोग जा सकते हैं, और अगेन ये सोर्स नेट का एक प्रोसीजर है, और वो भी डायनामिक अंडर एक कैटेगरी है जिसको वन टू वन नेट कहते हैं। जितना पूल होगा उतने लोग जा सकेंगे, और लास्ट में इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से एडमिन 1 2 3, और यहाँ पे है गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, तो सिर्फ 201 एंड 200 कहीं ना कहीं पे होगा 200, और एक दो ही आईपीज़ है, 1.4 है और 1.1 है। दैट्स इट, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको स्टॉप करके, ठीक है। और यहाँ से इस पिंग को स्टॉप करके इसको, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट होगा, तो ये हो गया। और यहाँ से सारे सेशन में रिमूव कर लेता हूँ।